नवकार सिस्टम्स में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं ESSL की स्लाइडिंग गेट मोटर, 1500 के जी की मोटर है ये। HG 1500 मॉडल है जो कि एक स्टील के गेट पर लगी हुई है। यहाँ पर हम ये इसको मोटर को चला के दिखा रहे हैं। कनेक्शन इसके बहुत ही आसान है, सिंपल कनेक्शन है, मोटर प्रॉपरली चल रही है। अभी गेट बंद हो रहा है। यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है बेस प्लेट के साथ, गियर रैक लगे हुए हैं ये। यहाँ पर ये हमारे फोटो सेल सेंसर भी लगे हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जिससे की हेल्प से जब ये गेट हमारा बंद हो रहा है और जब इसके सामने कोई आएगा तो ये उसको रोक लेगा। ये रुक गई है और ये वापसी चली गई है, और वापस हम रिमोट की हेल्प से इसको खोल या बंद कर सकते हैं। ये हमारी गेट मोटर काम कर रही है। वहाँ पर भी उसको करंट दिया हुआ है और दोनों तरफ बीम सेंसर को करंट दिया हुआ है, और यहाँ जो ये 220 वोल्ट की मोटर है इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट पर भी करंट दिया हुआ है, जिससे कि इसको करंट मिल रहा है। ये इसकी गियर रैक की वर्किंग है, सिंपल वर्किंग है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लगाना बहुत आसान है। पहले जो वेल्डर है उसको पूरा एक गेट बना करके व्हील्स पे चला देना है, ऊपर की तरफ से भी उसको प्रॉपर सपोर्ट दे देनी है जैसी उसको देनी है, और नीचे की तरफ से भी, ताकि गेट प्रॉपर वर्किंग में आ जाए। और उसके पैरेलल में इस हिसाब से गियर रैक लगाना है जिससे कि गेट मोटर के जो गियर है वो उसके गरारी पे चले प्रॉपरली, रैक पे चले, और रैक की हेल्प से वो आगे पीछे चलेगा। यहाँ पर ये जो गियर रैक है इसके स्क्रू हम साथ में देते हैं, बाकी जो काम सारा वेल्डर का है। एक ये लिमिट स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसका एक लिमिट स्विच यहाँ लगा हुआ है और एक लिमिट स्विच इसका यहाँ लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन होते हैं। गियर इसकी मोटर का कोई भी ज़्यादा शोर नहीं है, जो भी आपको नॉइज़ आ रही है वो सिर्फ गेट की नॉइज़ है, इसके अलावा मोटर की कोई भी नॉइज़ नहीं है। तो आई होप ये आपको प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अगर आप भी अपने स्लाइडिंग गेट को मोटराइज बनाना चाहते हैं तो इस तरह की गियर मोटर यूज़ कर सकते हैं।